इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के दिल की सुनो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और सीधा रुख करते हैं इंदौर का, जहां से हमारे संवाददाता जय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय, इंदौर में क्या कुछ आज दिन भर की सरगर्मियां रहने वाली हैं? जी निश्चित रूप से गरिमा, अगर बात करें आज के हलचलों की तो आज कांग्रेस का बंद जो है वो बड़े स्तर पर है और निश्चित रूप से प्रदेश सरकार को घेरने की कवायद की जा रही है कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनावों से पहले। तो निश्चित रूप से आज जिस तरह से कांग्रेस का प्रदेश बंद है उसी तरह से इंदौर में भी इसका प्रभाव रहेगा। हालांकि इंदौर में बैठक के बाद ये तय किया गया है जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कि जो बंद का प्रभाव है वो 1 बजे तक ही रहेगा, जिसमें जो स्कूल केंद्र बने हुए हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए उन्हें प्रभावित रखा जाएगा। उसके अलावा जो मेडिकल सुविधाएं हैं उन्हें भी प्रभावित रखा जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यहां पर यह सामने आ रही है कि जो बैठक में तय किया गया है यहां पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल में जो घोटाले हुए हैं, जो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा सामने आया है, उसको एक मुद्दा बनाया है। उस मुद्दे को बनाने के लिए आज सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला स्तर के, और जिसमें पूर्व विधायक भी रहेंगे, जो यहाँ के जिला स्तर के राजनेता रहेंगे वो भी इसमें शामिल रहेंगे। और इसमें पब्लिक को सीधा जोड़ने के लिए, जो जनता है उसे जोड़ने के लिए आज काली पट्टियों से उनके हाथों पर काली पट्टी बांधी जाएगी। यहाँ पर कई ऐसे स्थान रखे गए जहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये व्यापम फर्जीवाड़ा है वो कितना प्रदेश के लिए घातक रहा है और प्रदेश सरकार की क्या उसमें भूमिका रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि विधानसभा चुनावों में इसे नहीं बना पाए, लेकिन लोकसभा चुनावों में इसे बड़ा मुद्दा बनाने के लिए जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अरुण यादव ने इस पूरी पहल की है, तो कांग्रेस आज इंदौर में भी इस आधे दिन के बंद को यहाँ पर सामने ला रही है और आज सड़कों पर उतर जाएगी 8:30 बजे। अभी भी बंद का असर सामने दिखने लगा है क्योंकि अभी तक दुकानें खुली नहीं है और कांग्रेस के पदाधिकारी जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, तो काली पट्टी बांधकर आज विरोध किया जाएगा, जनता बीच में शामिल रहेगी। या यूं कहें कि तमाम जानकारी के लिए तो आपने जाना अपने शहरों का एजेंडा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।